दोस्तों आज की वीडियो, आज का प्रसंग बड़ा ही अद्भुत और रहस्यमयी होने वाला है। कहा जाता है कुत्ता की ये तीन बातें सीख लीजिए, जिंदगी में आपको झंझट से बचाए रहेंगी। तो आइए कौन सी हैं वे तीन बातें। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज की वीडियो, आज का प्रसंग बड़ा ही अद्भुत और रहस्यमयी होने वाला है। तो आपसे निवेदन है इस कहानी को आप पूर्ण अवश्य सुन लीजिए। आज की कहानी एक गधा और एक कुत्ता की है कि कुत्ता की तीन बातें कौन सी हैं वे जो हमें जीवन में बड़ी ही काम आएंगी। दोस्तों आइए कहानी शुरू करते हैं। उससे पहले निवेदन करूंगा आपसे, आप हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, हो सके तो अपने सगे संबंधी मित्रों तक अवश्य शेयर कीजिए। दोस्तों एक प्राचीन समय की कहावत सुनी होगी, बुजुर्गों की कहावत है कि जाको काम ताई को साजे, गधे की पीठ पे डंडा बाजे। ये कहावत आप जानते हैं कब से चली है? यदि नहीं जानते हो तो इस वीडियो को पूर्ण सुन लेना, अंत तक देखना। इस वीडियो के माध्यम से आपको पता पड़ जाएगा कि ये कहावत कहाँ की है। दोस्तों प्राचीन समय की बात है, एक किसी नगर में एक कुम्हार रहा करता था और उस कुम्हार के यहाँ एक गधा और एक कुत्ता पला हुआ था। लेकिन वह कुम्हार अक्सर करके उस गधा से मिट्टी के बर्तन बना बना करके उस गधे पर लाद करके गांव-गांव बेचने का कार्य करता था, जिससे उसके परिवार का गुजारा अच्छी तरह से हो रहा था। दोस्तों कुत्ता उसके घर पर रखवाली करता रहता था। जल्दी में ही उसकी शादी हुई थी, कुछ ही समय हो पाया था, इसलिए अपनी नई नवेली पत्नी के साथ वो बड़े आनंद से रह रहा था। लेकिन उस कुम्हार की जो आर्थिक स्थिति थी वो लगभग ठीक थी, अच्छी थी, इसलिए चोर लोगों की भी नज़र उसके धन पर बनी रहती थी। अक्सर करके डाका डालने के लिए वो उस फरात में लगे रहते थे। लेकिन दोस्तों ये बात सत्य है कि धन का न होना ये तो दुखी बात है ही, लेकिन धन का होना भी बहुत बड़ी दुखी बात है। यह धन नहीं होता है तो दुख होता है, और धन होने के बाद उसे यदि न रखा पाए, न बचा पाए तो बड़ा दुख होता है। दोस्तों अधिकतर जो धनवान होते हैं और गुणवान होते हैं उन पर लोगों की नज़रें बनी ही रहती हैं। लोग उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास करते रहते हैं, उन्हें कष्ट पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन मैं भी इस बात से बड़ा हैरान हूं कि लोग दूसरों के साथ नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन उससे उन लोगों का क्या फायदा होता है, उन्हें क्या सुख मिलता है दूसरों को कष्ट पहुंचाने से। तो दोस्तों जो कुम्हार था उसके घर पर धन तो बहुत था ही, लेकिन क्या होता है एक रात्रि को कुछ चोर आ जाते हैं, और जब चोरों ने आकर वहाँ चोरी करने की पूरी तैयारियाँ कर ली, आधी रात्रि का समय हो चुका था, लेकिन गधा और कुत्ता दरवाजे पर बैठे हुए थे, घर के बाहर थे। चोर आ गए, उधर जो कुत्ता था बड़ा शांत था, गधा की नज़र पड़ी तो गधा ने देखा, अरे देखो ये चोर घर में सेंध लगाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लूट करने के लिए तैयार हैं। चोरों की करतूतों को वो गधा समझ गया और देख करके कुत्ता से कहने लगा, अरे मालिक के घर की चोरी को बचाने के लिए तुम भौंकना चालू कर दो, तुम चिल्लाओ तेजी तेजी से, जब तुम चिल्लाओगे तो ये जो चोर चोरी करने आ रहे हैं अपने मालिक के यहाँ जो धन है वो बच जाएगा। दोस्तों जो कुत्ता था वो शांत रहा, उसने कुछ नहीं कहा। उसके बाद गधा ने फिर कहा, क्या बात है भैया, मित्र कुत्ता तू क्यों नहीं भौंक रहा? अरे भौंकना चालू कर दे, मालिक तुझे खिलाते पिलाते रहे, इतने दिनों तक तुझे अपने घर पे एक मेहमान की तरह रखा, तेरा फर्ज इतना ही बनता था, आज दिन के लिए ही खिलाया पिलाया था, लेकिन तू आज वो फर्ज नहीं निभा रहा है, तू बड़ा ही निकम्मा है। जो बता एक छोटा सा काम नहीं कर रहा, एक तेरी लापरवाही के कारण महाराज के यहाँ से धन लुट जाएगा, चोरी हो जाएगी, हमारे मालिक को बहुत कष्ट होगा। दोस्तों गधा ने ये बात कही, वो कुत्ता था वो कहता है गधा से, भैया क्या बताएं, हमें मालिक की परवरिश क्या हो, जब मालिक हमारे बारे में कुछ नहीं सोचता है तो हम उसके बारे में क्या सोचें। पहले जब तक शादी नहीं हुई थी हमारे मालिक की, तब तक तो वो हमारी देखभाल अच्छी करता था,
जब से शादी हुई है तब से नई नवेली पत्नी के साथ ऐसा आराम करता है, सिर्फ अपनी पत्नी की सेवा करता है और हमारे बारे में कुछ सोचता ही नहीं है, तो फिर हम उसके बारे में क्या सोचें? भला ऐसे ही बैठे रहें, उससे ही अच्छा है। तुम जानते हो कि बिना खाए पिए और आवाज भी कैसे निकल पाएगी, क्योंकि मालिक जब से शादी हुई है तब से खुद और अपनी पत्नी को भरपेट भोजन देता है, लेकिन हमारे लिए कभी कभी कोई कोरा डाल दिया। किसी किसी दिन तो मुझे बिल्कुल कोरा भी नहीं मिलता, बिल्कुल ही नेहता भूखा ही सोना पड़ता है। अब तुम ही बताओ, जब खाएंगे पिएंगे नहीं तो फिर ताकत नहीं होगी, तो फिर हम चिल्ला कैसे पाएंगे? आवाज भी तो ताकत से निकलती है, मैं कैसे भूख पाऊंगा? दोस्तों, ऐसी बात जब गधा ने सुनी, गधा कहता है, ये सारे उपदेश तुम हमें अभी सुना रहे हो, ये बात उपदेश सुनाने की नहीं है, ये वक्त हमें इस तरह की बातों को सुनाने का नहीं है, सिर्फ तुम्हें वो कार्य करने का है, वो कार्य करो, भूको, चिल्लाओ, या तुम नहीं चीखोगे तो चोर चोरी कर ले जाएंगे, हमारे मालिक की हानि होगी। दोस्तों, कुत्ता ने कहा कि मालिक को जब तक पता नहीं होता है, जब तक उसका सेवक उससे खुद अपनी बीती नहीं बताता है, तो इसलिए अब मैं उन्हें जताना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। गधा बार बार कहता है, क्या जताने के लिए आज ही को अभी को बैठे हो? सुबह हो जाए जता देना, लेकिन अभी तो चोरी होने से बचा लो। कुत्ता मना कर देता है, मैं नहीं भौंकूंगा। गधा कहता है, कोई बात नहीं, तुम नहीं चिल्लाओगे तो मैं ही चिल्लाए देता हूँ। और जैसे ही वो गधा हैचू हैचू करने लगा, चीखने लगा, लेकिन जो मालिक था वो बड़ी गहरी नींद में सो रहा था पत्नी के साथ, लेकिन उसकी नींद टूट गई। जैसे ही मालिक की नींद टूटी, दौड़ा दौड़ा गया हाथ में लाठी लेकर के और उस गधा को पीटने लगा। चोर भी वहां से भाग गए और वो गधा पिट गया। जब मालिक फिर से जाकर वहां सो गया, दोस्तों जैसे ही गधे को पिटता हुआ देख उसके बाद वो गधा चुप हो गया, तो कुत्ता हंसने लगा, उसकी हंसी निकल गई। कुत्ता बोला, गधे मित्र, मालिक की वफादारी आपको बहुत बड़ी महंगी पड़ गई। इसलिए कहते हैं कि जिसका जो काम होता है वह उसी को शोभा देता है, दूसरा कोई भी जोर जबरदस्ती से यद करता भी है तो उसका परिणाम अच्छा नहीं निकलता है। जिस तरह से कुत्ते का काम था, कुत्ता यद भौंकता तो बात कुछ और होती, वो सचेत हो जाता, लेकिन गधे की बात सुनकर, आवाज सुनकर के उसे गुस्सा आ गई। तो दोस्तों, आपके मालिक ने आपको जिस काम का अधिकार दिया है, आप उसके प्रति निष्ठावान रहिए, अधिक करोगे तो मालिक की नजर में भी गिर जाओगे। कुत्ता ने कहा, जिस काम को तुम्हें सौंपा है बस वही काम कीजिए, यदि अधिक करोगे, यदि ज्यादा प्रसन्न करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है उल्टा पड़ जाए। कुत्ता बोला, गधा मित्र, आज मैं आपको तीन बातें ऐसी बताऊंगा जो आपके जीवन के लिए बहुत ही काम की होंगी, उपयोगी होंगी। पहली बात, हमेशा समय को पहचानो। जो व्यक्ति समय और परिस्थिति को भांप कर चलता है वह कभी चोट नहीं खा सकता है। मैंने समय को पहचान रखा था, मैंने देखा कि रात्रि का समय है और सभी लोग गहरी नींद में सो रहे होंगे, यदि मैं चिल्लाऊंगा चीखूंगा तो मेरे सामने चोर भी खड़े थे लूट करने के लिए, यदि मैं चीखूंगा तो हो सकता है मेरे चीखने से, मेरे भौंकने से वो चोर मुझ में गोली भी मार सकते थे, इसलिए मैं समय को पहचान गया था। तो इसलिए इंसान को समय को पहचानना चाहिए, अपना बहुमत ना हो, शत्रु यदि जोरावर हो यानी दमदार हो, वहां शांत रहने में ही भलाई है। दोस्तों, दूसरी बात, बाणी का सही प्रयोग करना, यानी जो व्यक्ति बाणी का सही प्रयोग करता है उसका लाभ होता है। जहां अपने बोलने का कोई अर्थ ना हो वहां नहीं बोलना चाहिए, या आधी अधूरी जानकारी के साथ हमें कभी भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी के समय यदि हम बोलेंगे तो हो सकता है वहां हमारी निंदा हो जाए। दोस्तों, विषय, उस विषय का हमें पूरा ज्ञान होना चाहिए, हमें यह सोचकर बोलना चाहिए कि हमें कहां पर बोलना है और क्या बोलना है, कहीं हमारा बोलना हमारे लिए या किसी और के लिए मुसीबत तो न बन रहा है। यदि हमें अपनी बाणी का सही प्रयोग करना आ गया तो विश्वास मानिए आपका जीवन बहुत ही सुंदर हो जाएगा। कुत्ता ने समझाया उस गधा को, लेकिन तीसरी बात यह है, अपनी उपयोगिता को समझो, अपनी
उपयोगिता को समझो कि मैं किसी के कितने काम आ सकता हूँ, मेरे होने से लोगों को क्या क्या फायदा हो सकता है और क्या क्या नुकसान हो सकता है। मित्रों, परिस्थिति के हिसाब से स्वयं को बदलते रहना चाहिए। मनुष्य कभी धोखा नहीं खा सकता है। अपने अधिकारों तक ही सीमित रहना चाहिए और दूसरे के काम में कभी हाथ नहीं डालना चाहिए। दोस्तों, कुत्ते ने ये बातें गधा को बताई तो आप समझ गए होंगे जो कहावत है बुजुर्गों की, वो कहावत सत्य है कि जिसका काम ताही को साजे, गधे की पीठ पे डंडा बाजे। तो ये कहानी से मैच करता है, ये कहावत तभी से चली है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि कुत्ता ने कौन सी तीन बातें बताई, उन बातों को हमें भी अपने ध्यान में रखना चाहिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। फिर मिलेंगे ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, मोटिवेट करने वाली कहानी के साथ।